आज का शुभ संदेश श्वास परीक्षा प्रयोग। दोनों आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी एंटीना की तरह, दोनों हाथ की मुद्राएं ध्यान मुद्रा के ऊपर। आप पूरे शरीर में चित्त को घुमाइए, एक एक कोशिका को ऑर्टो सजेशन दीजिए, शिथिल हो जाए, अनुभव कीजिए शिथिल हो रही है, अनुभव कीजिए शिथिल हो गई है, पूरा शरीर शिथिल कायोत्सर कर लिया। अब दोनों नथुनों के बीच के अंदर चित्त को केंद्रित कीजिए, आते जाते श्वास को देखिए, श्वास आ रहा है जा रहा है। जब श्वास लिया जाए पेट फूलना चाहिए, जब श्वास निकल रहा हो पेट सिकुड़ना चाहिए। अब आप जो है श्वास प्रेक्षा कीजिए कि जो श्वास आ रहा है जा रहा है उसको थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, लंबा कीजिए, लंबा सांस, गहरा सांस, समतल सांस, ठंडा सांस, और लंबा कीजिए, लंबा, गहरा, समतल। अब अनुभव कीजिए जो श्वास पहले चल रहा था उससे 10-20% श्वास लंबा हो गया है। जितना श्वास लंबा होगा प्रति मिनट श्वास लेने और निकालने की संख्या घटेगी, 16 से 1 मिनट में घट के ये 14, 12, 10, 8 पे आती है, तो हमारे क्रोध अहंकार माया लोभ सब का उपशमन हो जाता है। तो ये श्वास परीक्षा का प्रयोग कषाय उपशमन के द्वारा ऐसा व्यक्ति कोई अपराध में नहीं जाएगा, कोई बुराई की तरफ नहीं जाएगा।